गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू PNMRC ई लर्निंग क्लासेस। सो स्टूडेंट, इन कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 6, दैट इज कंबशन एंड फ्लेम, वी विल कंटिन्यू आवर वीडियो विद द टॉपिक हाउ डू वी कंट्रोल फायर, पेज नंबर 68। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 68। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आपने कई बार सुना होगा कि देखिए, हम वहाँ पर आग लग गई, उधर फैक्ट्री में आग लग गई, उसके घर में आग लग गई, उधर आग लग गई। इसे कई बार आपने अपने सुना होगा। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। अगर आपने ऐसा कोई हादसा देखा है या सुना है तो उसके बारे में आप कोई छोटे से नोटबुक में अपने छोटे से 4-5 लाइनें लिख सकते हैं। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स, और अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त के साथ में या किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन, आपने कभी फायर ब्रिगेड स्टेशन देखा है? आपकी सिटी में भी होगा। वेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, वॉट डज इट डू? द फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है? अब टन 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 ऐसे घंटी बजाती हुई आती है। इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, वाटर कूल्स द कंबशन मटीरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड वाले जहाँ पर आग लगी होती है वहाँ पर पानी गेरते हैं। पानी गेरने से क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है और जो आग है वो बुझ जाती है। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और वो स्प्रेड जो फायर स्प्रेड होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह, एक कमरे से दूसरे कमरे में स्प्रेड हो गई, वो स्प्रेड होना बंद हो जाती है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल्स हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर। इसके अलावा जो वाटर वेपर्स एटमोसफियर में फैल जाते हैं तो उसकी वजह से जो एयर का कॉन्टैक्ट है किसके साथ में, हवा का जो कॉन्टैक्ट है फायर के साथ में, वो बंद हो जाता है और जो क्या नाम फ्लेम्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। इसलिए जो फायर है वो एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाती है। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। अब फायर अगर कहीं लगती है तो क्या 3 वजह हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट, दीज आर, वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से फायर लगती है? फ्यूल का होना ज़रूरी है, जैसे पेट्रोल होगा तभी तो आग लगेगी उसके अंदर, केरोसिन होगा तभी तो आग लगेगी उसके अंदर, वुड होगा तभी तो आग लगेगी उसके अंदर, तो फ्यूल का होना ज़रूरी है। एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन, एयर का होना ज़रूरी है जिसके अंदर ऑक्सीजन हो तभी तो आग जलेगी। अगर एयर नहीं होगी, सप्लाई ऑफ एयर अगर मान लीजिए फायर के अंदर नहीं होगी तो क्या होगा, बुझ जाएगी। नहीं होगी तो पहला तो होना चाहिए फ्यूल का होना प्रेजेंट होना ज़रूरी है, सेकंड एयर का होना जरूरी है, थर्ड द हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, और वो हीट जो उसको वहाँ तक ले जाए, इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाए, उतनी हीट होनी चाहिए उस फ्यूल के अंदर तभी तो उसमें आग लगेगी। अगर उसे इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा हीट तो आग नहीं लगेगी। तो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए तभी तो फ्यूल में आग लगेगी। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन ऑफ द और द मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। अगर इन 3 रिक्वायरमेंट्स में से मैं किसी एक रिक्वायरमेंट को हटा लूँ, सपोज एयर की सप्लाई बंद कर दूँ तो भी बुझ जाएगी आग, अगर फ्यूल ही ना हो तो आग कहाँ से लगेगी, और इग्निशन टेम्परेचर तक ही नहीं पहुँचेगा अगर फ्यूल तो आग कैसे लगेगी। तो तीनों में से कोई भी चीज़, एक चीज़ को हटा लिया जाए तो फायर जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग द डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, उनका काम क्या होता है, यही तो होता है। या तो वो क्या करते हैं कि उनका जॉब होता है टू एक्सटिंग्विश, टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई बंद कर दे मतलब ऑक्सीजन मिले ही नहीं तो बुझ जाएगी, या फिर टेम्परेचर को डाउन कर दें तो आग बुझ जाएगी, या दोनों चीज़ें। नोटिस दैट द फ्यूल इज मोर इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब सब ज़्यादातर केसेस के अंदर फ्यूल तो होता ही है, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको नहीं हटा सकते हम, तो फ्यूल तो होता ही है। बाकी जो 2 चीज़ें बची उनको हम कंट्रोल कर फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं।
इफ़ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल. अब कोई मान लीजिए बिल्डिंग के अंदर आग लग गई, तो मतलब वो बिल्डिंग ही क्या हो गई, फ्यूल हो गई. उस बिल्डिंग में आग लग रही है, इसका मतलब है फ्यूल कौन सा हो गया, वो बिल्डिंग जिसमें वो आग लग रही है. नाउ स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ कंबशन. कितने टाइप के कंबशन होते हैं. Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. अब क्या करो, burning matchstick या फिर gas lighter को kitchen के stove के पास लेकर आओ. ये जो आपका चूल्हा जो होता है जिसमें आप लोग खाना बनाते हैं, उसके पास लेकर आओ. तो क्या होगा, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, नॉब को खोल दो. वॉट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा, उसमें आग लग जलने लगेगी. वी विल फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. और क्या होगा, गैस जलने लगेगी, उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी. सच कंबशन इज़ नोन एज रैपिड कंबशन. इसको हम, इस कंबशन को क्या बोलते हैं, रैपिड, एकदम से हुआ, आपने आग लगाई तुरंत आग लग गई उसके अंदर. दिस इज कॉल्ड एज रैपिड कंबशन. देर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर. इसको अंडरलाइन कर लो. एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है फॉस्फोर. उसको रूम टेम्परेचर पर भी रखोगे ना तो उसमें आग लग जाएगी. द टाइप ऑफ कंबशन इन विच द मटीरियल सडनली बर्स्ट इन टू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबशन. तो वो कंबशन जिसके अंदर कुछ भी आपने आग नहीं लगाई, फिर भी वो अपने आप जलना शुरू हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन. जैसे किसमें बताया मैंने, फॉस्फोरस के अंदर बिना कुछ जलाए, बिना कुछ करे, अपने आप ही उसके अंदर आग लग गई. तो ऐसे कंबशन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट, वी जनरली हैव फायरवर्क्स. फायरवर्क्स का मतलब होता है पटाखे वगैरह जलाना ऑन फेस्टिवल डेज. फेस्टिवल डेज होते हैं या शादी का किसी का मौका होता है तो हम लोग क्या जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं. व्हेन द क्रैकर इज इग्नाइटेड, मतलब क्रैकर में जब आग लगती है, इग्नाइटेड का मतलब होता है तब उसमें आग लगाते हैं. वो अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड. और एकदम से वो क्या होता है, उसमें से हीट निकलती है, एकदम से हीट निकलती है, साउंड निकलता है और साथ में लाइट निकलती है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड और बहुत सारा धुआं भी निकलता है. सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन. ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसमें आवाज़ भी निकले, साथ साथ में लाइट भी निकले, साथ में हीट भी निकले और बहुत सारा धुआं निकले. ऐसे रिएक्शन को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं. एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ़ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर. और कई बार तुम्हारे पास ऐसा भी तो होता है ना, वो वाले पटाखे होते, तुम ज़मीन पे फेंक के मारते हो उसको और आवाज़ आती है उसके अंदर. तो ऐसा एक्सप्लोजन तब भी हो सकता है जब आप अपने एक्सप्लोजिव जो क्रैकर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर लगाते हो, या वो पिट पिट फोड़ने वाली होती है जिसे आप लाल रंग की नहीं होती हैं, पिटकिया होती है, उसको आप पत्थर से मारते हो और उसके बाद उसमें से आवाज़ निकलती है. इस टाइप के जो क्रैकर्स होते हैं जिसमें प्रेशर लगाया जाता है, उसमें भी एक्सप्लोजन हो सकता है. स्टूडेंट्स, अगेन पेज नंबर 69, जिसमें येलो पेज है वो मैं पढ़ के आपको समझा देती हूँ. द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर. सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर क्या कहलाता है, आपका पानी. पानी गिरो तो कोई भी आग जो है वो बुझ जाती है. बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर. पर वाटर वहीं पर काम करता है जब आग किस में लगी हो, या तो वुड में लगी हो या पेपर में लगी हो. पर अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो तो पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो हम लोग मर जाएंगे पानी डालेंगे तो. इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, वाटर मे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर. तो जो फायर बुझाने आ रहा है उसको अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम पानी डालेंगे तो उसको ही करंट लग जाएगा और वही मर जाएगा. तो पानी जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी हुई आग को नहीं बुझा सकता. वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल. वाटर वहाँ पर भी सूटेबल नहीं है जहाँ पर आग लगी हो पेट्रोल से या ऑयल से, क्योंकि जैसे ही आप पानी डालोगे पेट्रोल या ऑयल पे, पानी ऊपर ऑयल ऊपर तैरने लग जाएगा और वो तो उसका कॉन्टैक्ट तो एयर के साथ हटेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पानी नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर तैरता है पानी के, तो उसमें तो आग लगी ही रहेगी और बल्कि ज़्यादा फैल जाएगी पानी के साथ साथ में. तो ऐसी जगह पे भी जहाँ पर हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहाँ पर आग किस में लगी हो, ऑयल में या पेट्रोल में. डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल. तुम्हें पता होना चाहिए कि पानी जो है वो ऑयल से ज़्यादा भारी है, तो वो नीचे चला जाएगा और ऑयल उसके ऊपर तैरता रहेगा. सो इट सिंक्स बिलो द सॉइल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप. और ऑयल जो है टॉप पे आ जाएगा, उसके ऊपर के सरफेस पे आ जाएगा और उसका कॉन्टैक्ट एयर के साथ हटेगा नहीं, उसमें आग लगी ही रहेगी.
For fires involving electrical equipments and flammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. तो ऐसी इक्विपमेंट जो कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो या इनफ्लेमेबल मटेरियल है जैसे पेट्रोल है या केरोसिन है, इसमें आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही उसके ऊपर छिड़की जाती है. बींग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट. ऑक्सीजन, तब हम कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर में से कार्बन डाइऑक्साइड को उसके ऊपर डालते हैं तो वो हैवी होती है. तो क्या करती है वो, आप जिसमें आग लगी होती है उसको कवर कर लेती है जैसे कि ब्लैंकेट हो. सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल. और क्या करती है उस जो जिस फ्यूल में आग लगी है उसका कॉन्टैक्ट एयर के साथ में हटा देती है और बीच में खुद आ जाती है जिसकी वजह से जो आग है वो बुझ जाती है. द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इन मोस्ट केसेस इज डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाती है. हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड सिलेंडर्स. आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा रेड कलर के सिलेंडर्स लगे हुए हैं, उसमें क्या भरी हुई है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है हाई प्रेशर के अंदर. इन वॉट फॉर्म इज एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर. एलपीजी गैस भी तो बिल्कुल हाई प्रेशर के साथ में सिलेंडर्स के अंदर स्टोर की जाती है. When releases from the cylinder, carbon dioxide expands enormously in volume and cools down. और जैसे ही हम उसका छिड़काव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत प्रेशर के साथ बाहर निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है और उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ठंडा हो जाती है वो. सो इट डज नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल. तो इसका मतलब वो ब्लैंकेट ही नहीं बनाती कार्बन डाइऑक्साइड, एक जैसे ब्लैंकेट नहीं बनता है, ऐसे बन जाता है फ्यूल के ऊपर और साथ में उसका टेम्परेचर को भी वो डाउन कर देती है. दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर. इसलिए हम ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सबसे अच्छी फायर एक्सटिंग्विशर है. अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड इज टू रिलीज अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट. इसके अलावा अगर और कार्बन डाइऑक्साइड की आपको ज़रूरत है तो जो पाउडर फॉर्म में एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जो आपके घर में मिलता है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट उसको फैला दो नियर द फायर. दीज केमिकल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इन केमिकल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा. So student, this is the end of today's video. We will continue our chapter in our next videos. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day.